तोड़ दिया उसे। ये तुमने किया? नहीं नहीं हमने नहीं, वह बाजू के पड़ोसी ने। कैसे लगा? बहुत अच्छा। वैसे ज़ारा हमें तुमसे एक बात करनी थी। बैठो। हम अपने हुक्म को दरकिनार करके अपना फैसला, तलाक देने का फैसला वापस नहीं ले सकते। इन 7 दिनों में हम चाहते कि इंशाल्लाह हम ये निलुफर के कातिल को पकड़े और तुम्हारे दामन पर जो खून का दाग है उसे हटा दे हमेशा हमेशा के लिए। हम चाहते कि तब तक तुम अपने अम्मी अब्बा के यहाँ रहो। लोग बहुत कुछ कहते हैं, तुमने देखा, हम लोगों के जहरीले तानों से तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं। कबीर, हम 7 दिन तो रह लेंगे अम्मा अब्बा के यहाँ, लेकिन अगर तुम 7 दिन में कातिल को नहीं ढूंढ पाए तो? तब तो हमारे बीच तलाक वैसे ही हो जाएगी। जरा 7 दिन में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, एक छोटे से कातिल को हम नहीं ढूंढ सकते। और हम तो ढूंढ लेंगे जारा, क्योंकि हमारा नाम है कबीर है। हमें याद आती है हमारे प्यार की सेज की। एक अधूरा सा ख्वाब रह गया है जिसे हम इंशाल्लाह एक दिन पूरा करेंगे। तुम उदास क्यों हो कभी? क्योंकि हमें अफसोस से ज़ारा कि आज जब हम तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं, तकदीर ने हमें अलग कर दिया। यहाँ तुम पे ना ये उदासी रास नहीं आती है। ये मुस्कुराहट ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि ये सारी दुनिया जगमगा देती। तुम्हें अफसोस है ना, लेकिन हमें अफसोस नहीं है। और मोहब्बत करने वालों को ना जुदाई और भी करीब ले आती है, प्यार और भी बढ़ जाता है। वैसे हमने ना अल्लाह पाक से अभी से कह दिया है कि अगर वो हमें फिर से पैदा करना चाहे तो हमें तुम्हारे ही साथ नसीब हो। माशाल्लाह, हम एक बार फिर तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। बस थोड़ी तब्दीलियां आ जाए तुम में तो। क्या, कैसी तब्दीली? रहने दो कभी, तुम्हें बता के क्या फायदा? तुम बुरा मान जाओगे तो फिर क्यों बताएं हम तुम्हें? नहीं नहीं बताओ, हम जानना चाहते क्या बदलाव तुम लाना चाहती हो हम में। रहने दो, हम तुम्हें नहीं बताते, तुम्हें बदलाव तो आने नहीं वाला। अच्छा। हम अपने लव्स और खर्च कर देंगे। लव्स क्यों खर्च करे, इतने महंगे है तुम्हारे लव्स? बहुत महंगे। मत बता, ठीक है। अरे नहीं नहीं देखो, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो हम बता देते हैं। इतनी देर से पूछ रहे हो, हम बताते हैं। बोलो। हमें तुम्हें बदलाव नहीं चाहिए। हाँ। हमें बदलाव चाहिए इन आंखों में। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पूरी दुनिया नजर आती है। मगर ये तब हमारा मतलब है, कोई इंसान अगर इन्हें गौर से देखे ना तो डर ही जाए। और दूसरी बात, तुम्हारे खर्राटे, अल्लाह कसम, ऐसी अजीब अजीब आवाजें निकालते हो ना, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। नहीं लेते खर्राटे हम, समझी तुम? मजाक मत करो, हम खर्राटे नहीं लेते। हर खर्राटे लेने वाला ना यही बोलता है। हम बता रहे तुम कैसे खर्राटे देते हो। हम ऐसे खर्राटे देते, उधर ही खड़े रहो। जारा, क्या हुआ? हम तुम्हें पहली तलाक दे चुके हैं जारा, तुम्हें छूने का कोई हक नहीं हमें, खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। बस 7 दिनों की तो बात है जारा। वो कबीर, इश्क और मोहब्बत में बंदिशें कहाँ याद रह जाती हैं? हम ऐसी ही सारी बंदिशें तोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। नहीं जानते कि तुम्हारा साथ कब नसीब होगा। बस एक बार हमें गले लगा लो, हो सकता है कि 7 दिन बाद हालात बदल जाए। तुम कातिल को ढूंढने में इतने ज्यादा मशरूफ होगा कि पता भी नहीं होगा कि हमारा कबीर क्या कर रहा है, कहाँ है। हमें तुम्हारे साए से भी दूर रहना होगा कबीर।
बस एक बार गले। ये बंदिशें हम भी भूलना चाहते हैं, मगर खुदा का खौफ नजारा में हमें उसके खिलाफ करता है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी। वैसे जारा, हम सोच रहे कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। कभी तुम हमारी फिक्र छोड़ो, हमसे वादा करो हमें पल पल की खबर दोगे। हरगिज नहीं। क्या हरगिज नहीं? खामखा परेशान हो जाओगी तुम। कभी तुम हमसे वादा करो। सुनो सुनो सुनो, तुम फिक्र मत करना, कातिल को हम जल्दी पकड़ेंगे। कभी देखो तुम उसे पकड़ने के लिए ना कोई भी कदम उठा सकते हो। अगर हमें पता होगा तो हम तुम्हें कम से कम जोखिम उठाने से रोक तो सकते है ना, वादा करो। हरगिज नहीं, हमें नहीं बात करनी है। ठीक है, जब कातिल का कोई सुराग मिलेगा तब बताएंगे, ठीक है? और हाँ एक बात और, ठंडे पानी से नहाने के बाद ना एसी चला के मत सोना। और हाँ एक और बात, वो कभी मसाले वाला खाना मत खाना, सिंपल खाना, प्लेन खाना खाना। हम मसाले वाला खाना नहीं खाते। चार दिन पहले खाया था, कौन बीमार हुआ था? वो सिर्फ एक बार। कभी बहस मत करो, तुम अपना ध्यान रखोगे और वक्त पे खाना खाओगे, ठीक है? हम अपना ख्याल रख सकते, हम बच्चे नहीं है। तुम बच्चे ही हो। तुम्हें पता हमें किस बात का एहसास हुआ अभी कि हमारी बीवी अपने मायके जा रही खुद से? वो कपड़े, ये सारे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अरे क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? जारा, तो? जारा सात दिन के लिए जा रही हो, इतने सारे कपड़े की जरूरत नहीं है तुम्हें। जारा नहीं। तुम वापस आ रही हो, जारा छोड़ो। हाँ लेकिन हमारे कपड़े तो दो। नहीं काफी है, वो सात दिन के लिए जा रही, देखो एक बार खुद। जारा छोड़ो इसे, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे। छोड़ो, तुम जिद क्यों कर रहे हो? सात दिन के लिए जा रही, छोड़ो। तुम्हें पता है हम तुम्हारी बीवी नहीं रहे, हमारी तलाक हो चुकी है। सात दिन बाकी है तलाक पूरी तरह मुकम्मल होने में, तो तलाक हुई नहीं है, छोड़ो। ठीक है रख लो, वैसे रख ही रहे हो तो ड्राई क्लीन पे भी दे देना। ठीक है दे देंगे। और हाँ कबीर, डर सा लगता है अगर हम बेगुनाह साबित नहीं हुए तो हमारी मुकम्मल तलाक हो जाएगी। जारा चाहे जो भी हो हम उस कातिल को ढूंढेंगे, डरना मत। भाभी, अलीना कमरे में है। अरे क्या कमरे में, कभी ये सब जल्दी से उठाओ। क्या कर रही हो? हम तुम्हारे साथ होने की निशानी छुपा रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि हम दोनों साथ में थे। उठाओ ना। हाँ हम भूले, ये कहाँ फेंकना है? अरे यहाँ यहाँ यहाँ। भाभी क्या हुआ, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तुम? हाँ तुम। तुम घबराई हुई लग रही है। मैं नहीं, आप घबराए हुए हैं। नहीं नहीं तुम। हाँ हम कहाँ घबराए हुए लग रहे हैं। नहीं सूटकेस, भाभी आप कहीं जा रही हैं? अलीना हम अम्मा अब्बा के यहाँ जा रहे हैं। अम्मा अब्बा पर क्यों? भाई भाई भाभी को समझाइए ना, अभी तो उनका तलाक भी मुकम्मल नहीं हुआ है, वो हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। सुनो बच्चों जैसी जिद मत करो, तलाक का मसला है या अलग समस्या? बच्चे नहीं है हम, सब समझते हैं। क्या? जब से भाभी ने हमें कहा है ना, हमने कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ना शुरू कर दिया है, और अब तलाक की बात करें ना,
तलाक के एक एक नुक्ते के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। अब हमें बच्ची समझते हैं ना? हाँ बच्ची हो तुम। तो बच्ची सही, पर हम नहीं जाने देंगे भाभी, अब कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना दिमाग खराब करी तुम हमारा, हम तुम्हें कह रहे हैं उसका जाना जरूरी है। नहीं जाएगी तो पता कितनी मुश्किलें हो जाएंगी। अलीना 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 रुको, कभी तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है, प्यार से भी जान है वो हमारी, जो उसकी आंख में आंसू हम देखते ना तो हमारा कलेजा पर हम खुश है। क्यों? आंसू तुम्हारे लिए, उसका मतलब है कि जो रिश्ता है मजबूत होगा। और तुम देखना जब तुम वापस आओगी तो कितना खुश होगी वो। ये लीजिए। शुक्रिया। देखिए सारा इस घर की रौनक है, आप रोक लीजिए ना जारा को। अगर जारा यहां से चली गई तो एक बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों अम्मी, घर की रौनक तो जारा के पहले से इस घर में मौजूद है ना, और वैसे भी जारा तो अब इस घर की बहू नहीं है। खुदा जाने कब ये गुनाह साबित हो जाए। मगर जीरत, अगर जारा बेकसूर साबित हो गई तो तलाक अपने आप बातिल हो जाएगा, और मसला उन दोनों के साथ रहने का है तो हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, कहीं ना कहीं दोनों अलग रह लेंगे ना। आप खामोश क्यों हैं? हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। हमारे ख्याल से जारा का इस वक्त इस घर से जाना इसी में सबकी भलाई है। आपको नहीं, आप जानती हैं बेगम बाहर लोग किस किस किस्म की बातें कर रहे हैं। जारा यहां से जाएगी तो मुंह बंद हो जाएंगे सबके। हम जारा को घर लेके जा रहे हैं। भाभी प्लीज मत जाइए ना, प्लीज भाभी। आपको याद है आपने हमसे वादा किया था कि आप हर रोज हमारे साथ वक्त बिताएंगी। अलीना नहीं भाई, नहीं नहीं जान, हमें जाना होगा। अलीना सारा, बेटा जाने का फैसला कर लिया और अपनी अम्मी से पूछा तक नहीं। अम्मी, हम इस घर के हक में खूब सारी दुआएं करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। अबू कहा सुना के लिए माफ कीजिएगा, दुख हमें भी हो रहा है तुम्हारे जाने का, मगर क्या करें, हमारे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। हम भी कबीर की कामयाबी के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहते हैं अबू, इसलिए जा रहे हैं। जारा बीबी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई मुफ्ती साहब,
सुनने में आया है कि इंस्पेक्टर पांडे ने जारा बीवी को हथकड़ी तो लगा दी थी, पर एन मौके पर कबीर मियां ने उन्हें बचा लिया। कबीर ने पूरे मामले को 7 दिनों तक टाल दिया है जफर। अब हमें ये कोशिश करनी होगी कि कबीर की इज्जत शहर में खो गई हो, उसे किसी तरह वापस ले आए। हमें लोगों को समझाना होगा कि भाई जो आदमी अपने कौम के लिए मेरी बीवी को कुर्बान कर सकता है, और मजहब के लिए क्या नहीं कर सकता। बस किसी तरह यह साबित हो जाए कि जारा गुनहगार है, 7 दिनों बाद उसका तलाक मुकम्मल हो जाएगा। कबीर, ये सूटकेस हम ले जाते हैं। बेवजह अम्मा अब्बा सवाल करेंगे तुमसे और तुम्हें तकलीफ होगी, हमें दे दो। अल्लाह हाफिज। हम शरिया बोर्ड के लिए निकल रहे हैं बेगम, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी काजी साहब। जारा, अब्बा। जारा बेटा, मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें तो आप पर फक्र है। और सच कहें तो हमें आपके तकदीर का अंदाजा बहुत पहले हो गया था। आप एक सियासी साजिश का शिकार हुई हैं बेटा, और हम ये भी जानते हैं कि आपका रिश्ता तुड़वाने में हाशिम मियां का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखना, अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। और हां, इस गुनाह में कबीर मियां भी बराबर के हिस्सेदार है। नहीं अब्बा, कबीर को कुछ मत कहिए। कबीर तो हमें नीलोफर वाले केस में बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। नहीं बेटा, हमें आपकी इस बात पर कतई यकीन नहीं है। कबीर मियां अपना खुद का कोई फैसला नहीं लेते हैं, यहां तक कि आपको तलाक देने का फैसला भी उनका खुद का नहीं है, बल्कि उनके अब्बू शहबाज अहमद का है। और हमें इस बात पर भी पूरा यकीन है कि शहबाज अहमद कबीर अहमद को तलाक देने का यह फैसला कभी वापस नहीं लेने देंगे, कभी नहीं। मगर बेटा, आप फिक्र मत करना, हम आपके साथ हैं। और कभी हौसला मत हारना, हमेशा लड़ती रहना। आप तो हमारी कौम की औरतों की आवाज हो बेटा, उनकी जरूरत हो आप। हम खामोश नहीं रहेंगे अब्बा। जो भी हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे बख्शेंगे नहीं।